दोस्तों, एक तरफ जब भारत अपने सूर्ययान को लॉन्च कर रहा था, उसके कुछ ही वक्त बाद इसरो से एक ऐसी खबर आई जिसने करोड़ों भारतीयों को हैरान कर दिया, क्योंकि इसरो ने ऐसा कर दिया कि चंद्रयान 3 मिशन को अब रोक दिया गया है। रोवर को सुरक्षित ढंग से पार्क कर दिया गया है और स्लीप मोड में डाल दिया गया है। इसके अलावा APXS और LIBS पेलोड को भी बंद कर दिया गया है। और दोस्तों, जैसे ही खबर आई कि चांद पर गए अपने विक्रम और प्रज्ञान सो गए हैं, लोगों के मन में सवाल कौंधने लगा कि क्या ये फिर से जागेंगे? जो मिशन 14 दिन चलना था, वो आखिर 2 दिन पहले ही बंद क्यों कर दिया गया? और चांद पर सोने से पहले आखिर रोवर प्रज्ञान ने वो कौन सी फोटो इसरो को भेजी है, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान हो रही है? क्योंकि ये खोज दोस्तों नासा से लेकर चीन को भी हिलाने वाली है। और दोस्तों, अब क्या चंद्रयान के बाद इसरो क्या इंसानों को चांद पर भेज पाएगा? तो दोस्तों, इसरो ने कहा है कि रोवर ने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है, सभी डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी पर ट्रांसमिट किए जा चुके हैं। तो अब क्या होगा? क्या हमारा चंद्रयान 3 अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है, या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी से आगे का रास्ता तय होगा। भारत ने ऑक्सीजन खोज ली है, सल्फर खोज लिया है, लेकिन हाइड्रोजन का क्या हुआ? बर्फ और पानी की खोज का क्या हुआ? जिस हीलियम 3 के लिए दुनिया तड़प रही है, क्या वो जानकारी इसरो को लग चुकी है, या ये सीक्रेट रख लिया गया है? दोस्तों, सवाल कई हैं, क्योंकि अगर भारत का चंद्रयान 3 अब 14 दिन के बाद नहीं जगा, तो फिर ये हमेशा के लिए चांद पर भारत का दूध बनकर वहीं रह जाएगा। दोस्तों, इसरो ने बताया है कि रोवर प्रज्ञान की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। इसके साथ ही रोवर के सोलर पैनल को इस तरह से सेट कर दिया गया है कि जब 22 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फिर से सूरज की रोशनी पड़े, तो ये उसे ग्रहण कर सके। इसके रिसीवर भी चालू हैं। इसके साथ ही इसरो ने यह उम्मीद जताई है कि रोवर प्रज्ञान अपने अगले असाइनमेंट के लिए सफलतापूर्वक जागने में कामयाब रहेगा और बाकी के बचे हुए मिशन को अंजाम देगा। लेकिन अगर ये एक्टिव नहीं हो पाता है, तो मिशन वहीं पूरा हो जाएगा। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू भी होगा, क्योंकि नासा का असली मिशन तो अभी ही शुरू होगा। दोस्तों, आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि नासा चंद्रयान 3 के साथ क्या कर रहा है। तो दोस्तों, वास्तव में चंद्रयान 3 के साथ नासा भी जुड़ा हुआ है, और अब जब रात होगी तो नासा को डेटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 पर नासा का पेलोड लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे LRA लगा है, जो अब एक्टिव कर दिया गया है। ये चांद पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में काम आएगा। हालांकि दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि जब मिशन 14 दिन तक का था, तो इसरो ने क्यों ये 12 दिन में ही खत्म कर दिया? तो दोस्तों, इसको लेकर इसरो वैज्ञानिक M श्रीकांत ने कहा कि जब चांद पर 14 दिनों की रात के बाद फिर सूरज चमकेगा, तो लैंडर और रोवर फिर काम शुरू कर सकते हैं। इसरो की प्राथमिकता यह तय करने की थी कि एक लूनर डे यानी पृथ्वी के 14 दिनों तक जब वहां सूरज की रोशनी रहती है, तब तक जितना ज्यादा हो सके साइंटिफिक डेटा जुटा लें। इस मामले में चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वार मुथुवेल ने कहा कि हम पहले के 2 और आखिरी के 2 दिन को काउंट नहीं कर सकते हैं। वहां 22 अगस्त को ही लूनर डे शुरू हो गया था और चंद्रयान 3 ने दूसरे दिन के आखिर में लैंड किया था। चूंकि वहां सिस्टम को चालू रखने के लिए सूरज की एलिवेशन यानी सोलर एनर्जी मिलते रहने की जरूरत होती है, ये 6 डिग्री का एलिवेशन एंगल कंपलसरी होता है ताकि सोलर पैनल ठीक से काम कर सके और एनर्जी मिल सके। लेकिन इन 12 दिनों में ही रोवर 100 मीटर की दूरी पूरा कर चुका है। चूंकि वहां बहुत से क्रेटर हैं, लिहाजा 14,400 मिनटों के दौरान प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ता रहा। रास्ते में अड़चने आई और उसे पार भी किया, साथ ही कई खोजों को अंजाम दिया है। अब वहां 14 दिनों बाद यानी 22 सितंबर को फिर से सवेरा होगा। चूंकि चांद पर जब सूरज ढलता है, तो चांद पर तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और इस तापमान में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, क्या चांद पर एलियन रहते हैं, या वहां एलियन से जुड़ी इवेंट होती है? ये वैसे तो रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन इसको लेकर हमारे चंद्रयान 3 से मिले डाटा से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। इसरो ने बकायदा कहा है कि लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी ILSA ने कई इवेंट रिकॉर्ड की है, ये नेचुरल इवेंट लग रही है। हालांकि इसरो अब तक इस इवेंट का कोई सोर्स नहीं खोज पाया है। तो क्या वो ऐसा क्या घटना थी जिसकी धड़कने तो इसरो ने सुन ली, लेकिन असल में उसकी हकीकत तक इसरो भी नहीं पहुँच पाया है? दोस्तों, ये भूकंप आने जैसा संकेत था, मतलब वहाँ कोई बड़ी हलचल हुई थी, लेकिन वो किसकी थी? अब इसको लेकर कुछ लोग एलियन से भी जोड़कर देख रहे हैं।
हालांकि इसका पूरा सबूत नहीं मिल पाया है। वहीं दोस्तों, चांद पर सोने से पहले चंद्रयान 3 ने अब तक चंद्रमा पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण तत्वों की मौजूदगी का पता लगाया है। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान में लगे दूसरे इक्विपमेंट ने भी चांद के साउथ पोल की सतह पर सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया है। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप ने अब चांद पर सल्फर की बड़ी खोज की है। हालांकि इसरो अब इस बात का पता लगा रहा है कि चांद पर सल्फर आया कहां से, क्या ये आंतरिक रूप से वहां मौजूद है या फिर कोई ज्वालामुखी के घटना के कारण बाहर आया है या फिर किसी उल्कापिंड के जरिए चांद पर पहुंचा है। वहीं दोस्तों, रोवर पर लगे लेजर स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS इक्विपमेंट ने सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया था। ये बहुत बड़ी खोज है क्योंकि सल्फर की खोज से चांद की संरचना, उसके विकास के बारे में बड़े सुराग मिल सकते हैं। तो वहीं साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी को वाटर आइस यानी जल हिम की मौजूदगी का संकेत भी माना जा रहा है। ये भविष्य में इंसानों की रिहायशी के लिए पानी का स्रोत साबित हो सकता है। इस वाटर आइस में जीवाणु हो सकते हैं जो धरती से बाहर जिंदगी का सबूत हो सकते हैं। बड़ी बात तो ये है कि इस सल्फर से स्पेसक्राफ्ट के लिए फ्यूल भी बनाया जा सकता है। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने चांद पर प्लाज्मा की तगड़ी खोज को अंजाम दिया है और इस मामले में विक्रम लैंडर पर लगे रंभा LP ने प्लाज्मा एनवायरमेंट का मैप बनाया है। रंभा से रेडियो वेब कम्युनिकेशन में लूनर प्लाज्मा की वजह से आने वाली आवाज को कम करने में मदद मिलती है। तो वहीं रोवर ने चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैगजीन, सिलिकन और ऑक्सीजन की खोज की है। हालांकि दोस्तों, हीलियम 3 और हाइड्रोजन की खोज के बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ये बात हो सकता है कि इसरो ने इसे छुपा लिया हो या फिर अभी जो डेटा मिले हैं उनमें ये बात छुपी है। हालांकि दोस्तों, इसी बीच ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या भारत भी चांद पर इंसान भेजने वाला है। इसको लेकर इसरो वैज्ञानिक निलेश देसाई ने कहा कि चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने में कम से कम 2 दशक लग सकते हैं। अमेरिका एक बार फिर से ऐसा करने जा रहा है लेकिन भारत को इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि हमें सिर्फ आदमी नहीं भेजना, उसे जिंदा वापस भी लाने की जरूरत है। हमें टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की जरूरत है। अगर हमारे पास अच्छी परखी हुई तकनीक हुई तो यह कदम उठा सकते हैं लेकिन इसमें भारत को कम से कम 20 साल लग सकते हैं। नासा एक बार फिर चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है। नासा का लक्ष्य है कि 2025 तक इंसानों को एक बार फिर चांद पर पहुंचाया जाए। और दोस्तों, इस मिशन के लिए नासा भी इसरो के डेटा का यूज करने वाला है क्योंकि हमारे चंद्रयान 3 ने जो खोज की है वो नासा के भी काम आने वाली है।